भैया थोड़ा फोन पीछे के लिए भैया 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 प्लीज यानी के सामने राजा जी सामने क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक में हिंदुस्तान के कोने कोने से क्षत्रिय महासभा के जो अध्यक्ष लोग हैं और जो पदाधिकारी आए हैं बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है ये और यहाँ तरह तरह का हम लोग फैसला ले रहे हैं कि छात्रों के बारे में और इसको कैसे विकास किया जाए इसका क्षत्रिय महासभा का किस तरह से इसका सब आयोजन होगा इस सब पर बहुत चर्चा हुई है अभी और चर्चा होनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे नहीं वो बीमार हैं इसलिए नहीं पहुँच पाए उनकी तबीयत खराब थी वो रात में उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई नहीं तो उनके आने का पूरा प्रोग्राम था वो 11 बजे उनका फ्लाइट बुक था लेकिन वो बीमार होने के वजह से वो नहीं आ पाए। क्या आज जो यहाँ पूरे देश से समाज पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है इसमें केवल 40 से 45 लोगों को हमने लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित किया था केवल कोरोना काल की वजह से इसको बिल्कुल सूक्ष्म रखा था और उसमें सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आए हैं और उन्होंने अपनी अपनी जो भी समस्याएँ हैं उनको रख दिया यहाँ पर कि जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो आज के अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं वो उस पर अब विचार करके निर्णय लेंगे। महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कॉन्स्टिट्यूट क्लब में थी इसमें कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग थे इसमें समाज के सामाजिक उत्थान के लिए समाज की दिशा दशा तय करने के लिए विचार मंथन किया गया। बोलो दोस्तों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सभा आज आयोजित किया गया है मेरे द्वारा पता नहीं कितना सक्सेसफुल हुआ वो बाकी लोग बोलेंगे लेकिन अच्छा हुआ कि कुछ डिसीशंस लिया गया है आज जो कि फ्यूचर के लिए हमारे क्षत्रिय महासभा के लिए बहुत अच्छा होगा। अब आगे देखते हैं कौन क्या काम क्या कार्यकारिणी देखिए ऐसा है कार्यकारिणी में अभी तक हमारे जितने भी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं उन्होंने कोरोना काल में बहुत सारे काम किए लेकिन वो लोग काम करने के टाइम पे उन लोगों को कुछ कुछ दिक्कतें आई जैसे कि आपने सुना होगा आप थे फंड नहीं थे ऑफिस नहीं था ये नहीं था वो ये जो चीज़ उनके पास नहीं थे उसी के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की आज और वो चीज़ आगे बढ़ के उनको कोई तकलीफ ना हो वो चीज़ माइनस पॉइंट उनके ना आए वही आगे होगा। आज यहाँ पे सम्मानित भी किया गया जी ये जो प्रदेश के अध्यक्ष थे उनको सम्मानित किया गया या सभी लोगों को नहीं जी सभी लोगों को सभी लोग राष्ट्रीय के सभी लोग और अच्छे कार्यों के लिए सभी लोगों को राजा राजेंद्र सिंह और हमारे बीच राजा राजेंद्र सिंह जी है जो आज हमारे साथ में मतलब ऐड हुए क्योंकि पहले वो हमारे साथ ही थे लेकिन कहीं और संस्था में थे आज हमारे साथ आए वो बहुत जी एग्जैक्टली सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मांगे भी रख रहे हैं आप सरकार से आज प्रोग्राम किया सरकार से मांग हम रखे थे बहुत पहले कि यहाँ पर एक ज़मीन मिले जहाँ पर क्षत्रिय समाज के एक ऑफिस बने लेकिन अभी तक वो फुलफिल नहीं हुआ कुछ कारणों की वजह से देखा जाए आगे क्या होता है। कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें क्या उद्देश्य है आपका और क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं जो क्षत्रिय समाज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सिंगरा मऊ ये सबसे पुराना 1897 का संगठन है पूरे देश के 658 जनपदों में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम हमसे पहले भी संगठन के जिन लोगों ने किया उन सबको भी हम समय समय पर याद करते रहे खास तौर से आज हमारे जो है कोरोना काल के बावजूद भी यहाँ पर 13 जन प्रदेशों से प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मीटिंग में पहुँचे आना 27 प्रदेश अध्यक्षों को चाहिए था लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी में 45 राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने भी इसमें सहभागिता की। हमारा मूल उद्देश्य है कि आज देश में हमने जो कुछ भी हासिल किया है
वो परिक्रमा नहीं पराक्रम से हासिल किया है। और एकता की सूत्र की माला में सारे राजपूताना संगठनों को आना ही चाहिए, क्योंकि 1931 के बाद भारत सरकार द्वारा जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं जनसंख्या के अनुपात में, उनमें कहीं ना कहीं ढांचा पाँचा रहा है, चाहे लोकसभा की परसीमन की बात हो, चाहे विधानसभा की परसीमन की बात हो, इन सब के परसीमन भी दोबारा होना चाहिए। क्योंकि जाति और धर्म संप्रदाय के नाम पर समाज को लड़ाने का काम जिन लोगों ने किया, आज वही उसी उद्देश्य को लेकर के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक में हमने लोगों को यही चिताया और जताया, जानते भी सब हैं, मानते भी हैं, पहचानते भी हैं कि आज़ादी को किया कलंकित कुछ झंडावरदानों ने, अखंडता को खंडित किया था पदलोलिप गद्दारों ने, करें प्रायश्चित उन पापों का पौरस ने ललकारा है और वंदे मातरम राष्ट्र मंत्र है, यही हमारा नारा है। यहाँ पे और जैसे हम देख रहे जो क्षत्रिय समाज है एकजुट होने की बात कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहिए? क्षत्रिय समाज एकजुट करने की बात होनी ही चाहिए जी, क्योंकि हमारा खून ही एक है, हम एक कुल के हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं, 28-30 करोड़ लोग हैं। हमने तो कंबोडिया में भी देखा कि वहाँ भी भगवान राम का ही नाम लेते हैं सभी लोग, मलेशिया वहाँ 30-40 देशों के भी क्षत्रिय इकट्ठा हुए थे कंबोडिया में लास्ट ईयर, मैं ही अध्यक्षता भी वहीं किया था, तो उन लोगों ने भी भगवान राम का वंशज अपने के, वहाँ के गवर्नर साहब ने भी बोला कि मैं भगवान के राम का वंशज हूँ, हजारों साल पहले हम लोग यहाँ आ गए हैं। अगर अब नहीं संभले तो अगली पीढ़ी गर्त में नहीं पाताल में चली जाएगी, गर्त में तो अभी है, इसके बाद पाताल लोक में जगह मिलेगी क्षत्रियों को यदि अब नहीं सुधरे। तो अब सुधरना होगा तो एक साथ एक मन से एक दिल से भगवान राम को याद करके अपने वंशज पूर्वजों की परंपराओं को याद करके हमको सबको कंधे से कंधा मिला करके चलना होगा, तब हम अपना अस्तित्व पूर्व काल के अस्तित्व में हम आ सकेंगे, और नहीं तो गर्त में नाबूद हो जाएंगे, जैसे कई प्रजातियां नाबूद हो गई, डायनासोर कई होते थे ना वो सब गायब हो गए, पता नहीं चले, अभी तो गिद्ध महाराज भी यहाँ से भारत से चले गए, गिद्ध होता था ना जो एक पक्षी होता था, वो अभी 20-30 साल में दिखाई नहीं पड़ता कि कहाँ गए, सब छोड़ गए, कहा कि वो भगवान के राम के भक्त थे, यहाँ भगवान कब कहते थे पैदा नहीं हो तो गिद्ध ही चले गए यहाँ से। थैंक यू। देखिए आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है, जो सम्मेलन हुआ, इस कार्यक्रम में सम्मेलन में पूरे देश से, कोरोना काल के बाद ये दिल्ली में पहला सम्मेलन है जिसमें यहाँ पूरे देश से राजपूत आए, उनके मुख्य अध्यक्ष और वगैरह सब लोग आए, और आज सबसे बड़ी बात यह है कि चिंतन किया गया, एक तरह से इस सम्मेलन में चिंतन किया गया कि राजपूतों की जो दुर्दशा सभी राजनीतिक दलों ने एक सोची समझी साजिश के तहत की है उसको कैसे बदला जाए, उसको कैसे सुधारा जाए, और इसीलिए इसी क्रम में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र सिंह राजू जी और सभी लोग जितने पदाधिकारी थे सबने इसी बात पर जोर दिया कि किस तरह से एकता को बढ़ाया जाए, किस तरह से जैसे और चीज़ें हैं दलितों के लिए है, SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, मिसयूज होता है, तो सवर्ण आयोग कब बनेगा, सवर्ण के लिए कब बनेगा, राजपूत के लिए आयोग कब? देखिए हमारा भारत का संविधान बहुत क्लियर है, वो जाति रंग भेद क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, लेकिन फिर भी होता है, तो उसको दूर करने के लिए कैसे बनेगा राजपूत, क्षत्रियों के लिए आयोग नहीं बनेगा, सवर्ण के लिए आयोग नहीं बनेगा, उनके लिए क्रीमी लेयर की मुकदमा चल रहा है, केस भी चल रहा है, मैं उसमें आर्गूमेंट करूँ क्रीमी लेयर को कब आरक्षण से समाप्ति मिलेगी, आरक्षण 10 साल के लिए था और उसको लगातार बढ़ाया जा रहा, आरक्षण की वजह से मौतें हो रही हैं, SC ST एक्ट के दुरुपयोग की वजह से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनका मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, आज जो आपने मधुबनी में देखा मधुबनी प्रकरण हुआ उसके पीछे SC ST एक्ट का दुरुपयोग था जो पिछले वर्षों में हुआ जिसकी वजह से परेशान थे, तो ये सब कुछ हुआ, और लगातार मधुबनी में आपने देखा 5 राजपूतों की किस तरह से नृशंस हत्या कर दी गई, आज
आज हमारा कोई मुखिया नहीं, आज हमारे समाज के नेता नहीं है। आज अगर संसद में होते, अगर बिहार में होते, राजनीति करते हैं, वोट लेते समय राजपूतों को याद करते हैं, लेकिन वहाँ के लिए कोई उनको मुआवजा देने के लिए नहीं है। कोई 1 करोड़ देने की बात नहीं कर रहा, कोई नौकरी देने की बात नहीं कर रहा, कोई उनके आंखों के आंसू पोंछने के लिए नहीं बात कर रहा। आपने हाथरस प्रकरण देखा, पद्मावत प्रकरण देखा, बहुत ऐसे प्रकरण हैं, इन सब पर चर्चा की गई और इसका रिजल्ट निकलेगा कि सबकी एकता की बात की गई और पूरे देश में ये संगठन काम कर रहा है और पूरे देश के लोगों के लिए ये भलाई के लिए काम कर रहा है। उसमें निश्चित रूप से बहुत ही निर्णायक निर्णय लिए गए जिनका आगे उनका निष्पादन होगा। थैंक यू। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं और कोषाध्यक्ष भी हूं और ये हमारे रूटीन में साल की एक 5 हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी करवाते हैं तो ये रूटीन को कोरम को पूरा करते हैं। नंबर 1, नंबर 2 क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए संवैधानिक तरीके से उसका एक कोरम रखा जाता है तो कोरम पूरा होना चाहिए। नंबर 1, नंबर 2 अभी हमारे जितने भी प्रदेश हैं 27 प्रदेशों में संगठन काम करता है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। तो कोरोना है, कोरोना काल में भी हमने आपको पता होगा कांगड़ा में मीटिंग ली है, कांगड़ा का कार्यकारिणी हुआ, फिर दूसरा जम्मू का हुआ, फिर तीसरा ये लगातार हमारा कोरोना काल में भी हुआ है मीटिंग, क्योंकि कुछ पदाधिकारियों का कहना था कि कोरोना काल में किस तरह से काम किया जाए जब हमारी कंट्रोल टीम काम कर रही थी। तो कंट्रोल टीम को काम करते हुए अगर ऐसी स्थिति बने देश में तो किस तरह काम किया जाए, जो हमने सीखा अपने अनुभवों से सबने, तो उसको हमने शेयर किया यहाँ पर। यहाँ पर जो ज़्यादा मैं हम लोग फोकस 1 साल से नहीं कर पाए क्योंकि अदरवाइज़ जो ये कार्यकारिणी मीटिंग होती है, आपको मैं इसका उद्देश्य बताना चाहूँगा, यहाँ सिर्फ ये होता है कि प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, वो अपना टीम का पूरा गठन कहाँ किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, रणनीति क्या है, कितना कोष है, कितना आय व्यय का हिसाब लेकर और आगे की रणनीति तय करते हैं। एक्चुअली बेसिक पर्पज़ ये होता है। पर आज यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की मीटिंग थी, इसमें 2 या 3 तथ्य अलग जुड़े हुए हैं जो मैं आपको उससे हटकर, जो आपने पूछा उससे हटकर बता रहा हूँ मैं आपके दिमाग के लिए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा देश का सबसे पहला और पुराना संगठन है, 1897 का, जब ये आपका 1925 में RSS बना है तो उससे भी पहला है, सबसे पहला संगठन ये देश का। अब ये इतना बड़ा संगठन है तो हम ये चाह रहे हैं, तो नेचुरली कोई बड़ा संगठन है, बड़ा समुंदर है तो ज़्यादा संगठन है हमारे, मतलब 1000 के करीब संगठन हैं छोटे छोटे मिलाकर। तो राजा राजेंद्र सिंह भी हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पिलर हैं सब। अभी क्या हुआ है कि थोड़े समय में कहीं ना कहीं से हमारा समन्वय गड़बड़ाया था थोड़ा सा, तो उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से मिलकर कि नीति कैसे बनाई जाए, इसको इकट्ठा करके कैसे काम किया जाए, ताकि जो हमारे समाज में कई प्रकार की जो नीतियां नहीं पहुंच पाई या सरकार के साथ ही हम खड़े होकर नहीं कह सकते कि हमारे कितने संगठन हैं, क्योंकि सरकार को इस बात का पता, जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी पार्टी है पोल्टी उसका फ़ायदा उठाती है हमारा, क्योंकि उनको पता है कि ये सब बिखरे हुए हैं। तो मेरा एक बड़ा प्रयास है इनके साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर, कि हम लोग कैसे इकट्ठे हों और कैसे अपना छत्र को एक आगे किया जाए, जो पुराना है उसमें हमें काम करने का मौका मिला हुआ तो उसको आगे किया जाए और आगे करके उसकी अकाउंटिंग करवाई जाए। सबसे बड़ी बात अकाउंटेबल नहीं है बट अकाउंटिंग करवाना आगे लाकर, वो मेन मकसद आगे चलकर हमारा रहेगा और है। आज जो है आज का तो मीटिंग कोरोना काल का मीटिंग था, एक औपचारिकता एक दूसरे से मिलना हो गया हमारा, और ये है कि थोड़ी बात हो गई और ज़्यादा तो नहीं मैं इसके बारे में आज बोलूँगा, बट फिर भी हमने जैसे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का गठन हुआ इसी कोरोना काल में, जैसे सीखा हमने कि क्या होना चाहिए, अब क्यों होना चाहिए उसका, तो उसके ऊपर एक लंबा विषय है, बट वो होना चाहिए क्योंकि आपको कोई तत्काल सर्विस पहुँचानी है तो उसके लिए आपको कैसे उसको स्पीड को फास्ट किया जाए, तो उसके लिए हमने काफ़ी समय से काम किया और उसके ऊपर क्रियान्वित करना है। इमरजेंसी फंड रेजिंग का भी है इशू, आपने सुनी लिया सब, बट वो भी हमारा एक इशू है क्योंकि फ़ंड नहीं होगा तो आगे काम नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें जो है वो मंथन हुआ है आज, और मंथन वैसे इसी का मंथन होता है, वैसे बेसिकली इसका मकसद ये रहता है। थैंक यू सर।